हाथरस में मुरी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला यात्री का शव। हाथरस से टूंडला जाते समय यात्री के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। सूचना का पाकर पहुंचे परिजनों में शव देखकर मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। जीआरपी पुलिस ने कराई शव की शनाख्त। शनाख्त में हाथरस जंक्शन के पास के गांव पौलोई का रहने वाला राजेंद्र पिता नन्नूमल उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। ये व्यक्ति सुबह अपने काम से टूंडला जा रहा था, तभी अचानक इसका पैर फिसल गया और ये ट्रेन से नीचे गिर गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेजा। पीएलएल न्यूज के लिए हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, ये किसकी बॉडी और क्या बजे के लगभग आपको सूचना मिली है? आज दिनांक 28/19 को मेमो प्राप्त हुआ था कि एक अज्ञात शव डाउन लाइन के पास में किलोमीटर संख्या 1295/22 व 20 के मध्य पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं अपना पुलिस फोर्स लेकर के मौके पर पहुंचा तो देखा एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। जब आने जाने वालों से जानकारी की तो उन्हीं में एक मृतक के भाई डोरीलाल सन ऑफ नन्नूमल निवासी पबलोई थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथरस मौके पर आए। उन्होंने अपने भाई राजेंद्र के रूप में इनकी शिनाख्त की। राजेंद्र सन ऑफ नन्नूमल जाति प्रजापति। शिनाख्त वगैरह हो गई थी, कै बजे के लगभग हुई थी ये? हमें जैसे सूचना 8:05 में मिली थी, हम वहाँ पहुँचे मौके पर करीब 8:25 तक पहुँचे थे। जब हम पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर रहे थे तो लगभग जो है 9 बजे के आसपास इनकी जो है पहचान हो गई थी। तो अब हमने बॉडी को सील सरे मोहर कर पोस्टमार्टम में। क्या ट्रेन से गिरा है? संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी ट्रेन से गिरा हो, लेकिन किसी को खास कंफर्म जानकारी नहीं है कि ट्रेन से गिरा है या कैसे है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी अज्ञात ट्रेन से रात्रि में या सुबह के समय गिरने के कारण जो चोटें आई हैं उनसे मृत्यु हुई है। इनके पैर भी कट गए हैं, सिर में भी चोटें हैं,